वेलकम स्टूडेंट्स, सेवन स्टैंडर्ड मैथ्स सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट्स एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 रोम्बस पत्ती पाक पोरों। रोम्बस ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सोलिरुकोम एन्ना फिगर रुके और स्क्वायर शेप रुके स्क्वायर बेस पनी दा एन्ना सोलिरुकोम रोम्बस नु सोलिरुकोम फोर साइडेड ईक्वल रुकुम बट इंगे 90 डिग्री मेक पन्नादे। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस पातोम इल्लैया एपड़ी इरुकुम ऑल द साइड्स आर ईक्वल रुकुम ऑपोजिट साइड्स आर पैरलल डायगनल्स डिवाइड द रोम्बस इंटू फोर राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑफ ईक्वल एरिया द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर अट राइट एंगल्स। प्रॉपर्टीज एन्ना पातोम फोर साइड्स ईक्वल रुकुम ऑपोजिट साइड्स पैरलल रुकुम टू डायगनल्स ड्रा पन्नुवोम अंद टू डायगनल्स लेंदु नमक्कु फोर ईक्वल एरिया किडक्कुम अंद ईक्वल एरिया एपड़ी इरुकुम राइट एंगल ट्रायंगल रुकुम फाइनली அந்த டைகனல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் अदर அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் எத்தனை டிகிரி 90 டிகிரி எக்சர்சைஸ் 2.2 ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் ரோம்பஸ் PQRS ஷோன் இன் தி ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் கொடுத்திருக்க ஃபிகர்ஸ்க்கு ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் என்ன ஃபிகர் இருக்கு ரோம்பஸ் இருக்கு PQRS ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் இங்க என்ன மெஷர்மென்ட் இருக்கு 8 சென்டிமீட்டர் அண்ட் 16 சென்டிமீட்டர் இருக்கு कॉर्नर लेंदे कॉर्नर ड्रा पनिरकोमा एन्न कुडुत्तिरुक्कांगा डायगनल्स कुडुत्तिरुक्कांगा डायगनल्स कुडुत्तु रोम्बस ओड एरिया एप्पडी फाइंड आउट पण्रदु सॉल्यूशन एरिया ऑफ द रोम्बस PQRS ईक्वल टू फार्मूला हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू डायगनल्स काना फार्मूला हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू स्क्वायर यूनिट्स डी वन ईक्वल टू 8 सेंटीमीटर अंड डी टू ईक्वल टू 16 सेंटीमीटर D1 D2 மாத்தி கூட எடுத்துக்கலாம் D1 னா 16 ஆவும் D2 வை 8 ஆ கூட எடுத்துக்கலாம் டைகனல்ஸ் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு டைகனல்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம் 1/2 D1 வேல்யூ 8 அண்ட் D2 வேல்யூ 16 2 ஆல டிவைட் பண்றோம் 8 ல எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு அப்படிን பார்த்தா 4 டைம்ஸ் இருக்கு தென் 4 மல்டிப்ளை 16 4 16 சார் 64 ஈக்குவல் டு 64 यूनिट राइट पन्नुल्लैया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अप्पडिनाले स्क्वायर यूनिट राइट पन्नणुम PQRS इंद रोम्बस उडैय एरिया एव्वलो इरुक्कु 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड फिगर PQRS फोर साइडेड फिगर दा फर्स्ट क्वेश्चन ले एन्ना इरुंदुदु डायगनल्स इरुंदुदु इंगे डायगनल्स मेंशन पण्णिरुक्कांगलानु पार्त्ता डायगनल्स इल्ल देन एन्ना इरुक्कुनु पार्त्तोम अप्पडिना बेस इरुक्कु हाइट इरुक्कु बेस 15 இருக்கு ஹைட் 11 இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல டைகனல்ஸ் கொடுத்து ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இங்க செகண்ட்ல பார்த்தோம்னா பேஸ் அண்ட் ஹைட் கொடுத்து ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் நம்ம ஃபார்முலா பாக்கும்போதே பார்த்திருக்கோம் டைகனல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைகனல்ஸ் கொடுத்து ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா ஒன்னு இருக்கு பேஸ் அண்ட் ஹைட் கொடுத்து ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா இருக்கு சொல்யூஷன் ஏரியா ஆஃப் தி ரோம்பஸ் PQRS ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்டு ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் बेस 15 हाइट 11 मल्टिप्ले पन्रों बेसोड़ वैल्यू 15 हाइटोड़ वैल्यू 11 15 11 सर 165 स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर नो राइट पन्ला इला स्क्वायर सेंटीमीटर नो राइट पन्ला। थर्ड क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग वैल्यू थ्री क्वेश्चन इरुके डायगनल D1 D2 एरिया फर्स्ट क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर डायगनल 19 सेंटीमीटर डायगनल 2 16 सेंटीमीटर एरिया फाइंड आउट பண்ணனும் फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट பண்ணோம்லையா டைகனல்ஸ் கொடுத்து ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது सेम அதே மெத்தட் தான் செகண்ட் क्वेश्चन டைகனல் இருக்கு D1 26 மீட்டர் D2 மிஸ்ஸிங் ஏரியா 468 ஸ்கொயர் மீட்டர் இப்போ இங்க செகண்ட் क्वेश्चन சால்வ் பண்ணுவோம் சொல்யூஷன் டைகனல் D1 equal to 26 மீட்டர் D2 फाइंड आउट பண்ண போறோம் வேல்யூ தெரியாது சோ क्वेश्चन मार्क एरिया ईक्वल टू 468 स्क्वायर मीटर D1 D2 வேல்யூஸ் இருக்கு D2 தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் ஏரியா ஆஃப் தி ரோம்பஸ் ஈக்குவல் டு 468 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா ஆஃப் தி ரோம்பஸ் ஃபார்முலா என்ன 1/2 D1 இன்டூ D2 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஈக்குவல் டு 468 वैल्यू सप्ले पन्रों 1/2 इंटू D1 वैल्यू 13 देन D2 वैल्यू तेरिया दे सो D2 अप्ले डाउन डाउन पनिक्रों इक्वल टू 468 26 2 वाला डिवाइड पन्लामा एतने टाइम्स इरुकों 13 टाइम्स इरुके
13 multiply d2 equal to 468. Nama d2 oda value mattum dhaan find out pannanum. Indha 13 enna pannalam equal to right side eduthu porom. Inga multiplication la irukku. Multiplication ku opposite enna division. Inga right side transfer aagum bodhu enna vaagum divide la aagum. 468 divide 13. 468 13 ala divide pannom appadina 36 times irukku. Appo d2 equal to 36 meter. செகண்ட் கொஸ்டினில் டி டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோமா, இங்கே தேர்ட் கொஸ்டினில் டி ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் எப்படி செஞ்சோமோ அதே தான் தேர்ட் ஒன் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸசைஸ் 2.2 பேலன்ஸ் சம்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.